नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स के और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक निवेदन है, ये मेरी एक अजय ट्रेडर्स नाम की यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाओगे यहां पे तो आपके ढेरों सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, ये सेटअप सीरीज़। ये सेटअप सीरीज़ है, इसमें मैंने सेटअप दिखाया हुआ है, जिसका टोटल 4 वीडियो है। आप कृपया करके इसको देखें और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा एक निवेदन फ्रेंड्स मेरा ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर आप वीडियो देखते हो, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, अभी 38 सब्सक्राइब है, इसको हमें आने वाले दिनों में 380 सब्सक्राइब का टारगेट हमें अचीव करना है। मैं आशा करता हूँ आप ये टारगेट अचीव करके दोगे मुझे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स अभी शेयर मार्केट में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, कल फ्रेंड्स मंगलवार है, और मंगलवार के दिन हम देख लेते हैं अभी कि एजीएस निफ्टी पे कहाँ पे चल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो एजीएस निफ्टी हमारा 15 पॉइंट अभी प्लस में दिखा रहा है अपने समय। और ये है फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये 1 डे का चार्ट मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ से नीचे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो इसको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 18,240 के पास उसका रजिस्ट्रेशन है। अगर इसको आज उसने क्रॉस किया तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स, पहला टारगेट आएगा उसका 18,340, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,500। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो वो यहाँ पे छोटा सा रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, जिसका लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जिसका लेवल है फ्रेंड्स 18,400। और अगर इसको भी ब्रेक किया तो उसका अल्टीमेट टारगेट आने वाला है फ्रेंड्स 18,500। अगर ये निफ्टी अपसाइड में जाएगा तो हमारा मार्केट भी अपसाइड जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी देख लेते हैं यूएस 30 में क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे कि यूएस 30 का मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, तो आप यहाँ पे चेक करोगे आज उसने इस लेवल को ब्रेक किया है फ्रेंड्स, और अगर इसके ऊपर आज सस्टेन हो गया तो उसका टारगेट आने वाला है 34,000। अगर फ्रेंड्स एसजीएस निफ्टी और यूएस 34,000 यहाँ अचीव करता है, अपसाइड में होता है, तो हमारा मार्केट भी डेफिनेटली अपसाइड में जाने वाला है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कल निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने कल आपको जो लेवल लिए थे उसके हिसाब से उसने आज क्या किया। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टारगेट दिया था फ्रेंड्स मैंने 18,060, और दूसरा टारगेट मैंने दिया था 18,140। तो आप यहाँ पर चेक करोगे उसने दोनों टारगेट फ्रेंड्स आज अचीव कर लिया है फ्रेंड्स, ये वाला और ये वाला, और तीसरा टारगेट मैंने दिया था फ्रेंड्स 18,240। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 15 मिनट की चार्ट में अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स कल। फ्रेंड्स, मैंने 15 मिनट की चार्ट पे ये नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग हुआ आया है फ्रेंड्स आज 18,101 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर फ्रेंड्स टूमोरो निफ्टी हमारा इसी जोन में ओपन होता है, यानी 18,060 से लेकर 18,150 के बीच में ओपन होता है, उसके बाद अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक करता है फ्रेंड्स, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,190, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,240। और अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है फ्रेंड्स 18,060 को, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 18,000, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,940 आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में। और आप देखते हैं फ्रेंड्स 1 डे की चार्ट में क्या सीनियर हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, अभी वो हम चेक कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ये स्क्रीन पे 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, आप यहाँ पे चेक करोगे, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है इस वीक में फ्रेंड्स हमारा निफ्टी। ओके, तो ये देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट के चार्ट लगाया हुआ है स्क्रीन पे, और मैंने आपको कल जो लेवल दिया था वो आज लेवल उसने अचीव कर लिया है, जो मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स कल, तो उसका लेवल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उसका लेवल आएगा फ्रेंड्स 42,650। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो उसने ये लेवल फ्रेंड्स आज अचीव कर लिया है, और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 43,080 के करीब आपको मैंने टारगेट दिया हुआ था, तो आज तो वो टारगेट अचीव नहीं हुआ फ्रेंड्स हमारा दूसरा, लेकिन कल ये टारगेट आ सकता है। तो अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट की चार्ट में क्या हो सकता है कल बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, ये मैं न्यू ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करता हूँ स्क्रीन पे, अगर यहाँ पे इस जोन में ओपन होता है तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके फ्रेंड्स, अभी इस चैनल से वो बाहर आ गया है तो उसको भी मैं निकाल लेता हूँ, इस लाइन को भी मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 42,580 के पास उसका क्लोजिंग आया है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का। अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी कल
इस सीजन में ओपन होता है यानी 41,420 से लेके 42,700 के बीच में। और अगर फ्रेंड्स 42,700 ब्रेक करता है फ्रेंड्स इस लेवल को तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 42,900 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 43,400 के करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है हमारा बैंक निफ्टी। और अगर फ्रेंड्स 42,400 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 42,270 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 42,100 और तीसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 41,900। ओके फ्रेंड्स मैं ये लेवल आपको कल के लिए निकाल कर दिया हुआ है इंट्राडे के लिए। ओके फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं वन डे के चार्ट में क्या सीनियर बन रहा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे जा रहा है तो हो सकता है ये आज का जो ट्रेंड क्लोज हुआ है अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वन डे के चार्ट में भी फ्रेंड्स ये 43,000 हमारा लेवल दिखा रहा है ये वन डे के चार्ट में। और दूसरा टारगेट दिखा रहा है फ्रेंड्स ये 43,400-500 का टारगेट दिखा रहा है लेकिन इसके लिए US डाउ जोन्स और SGX निफ्टी को चलना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो भी हमारा ये टारगेट अचीव हो सकता है। ओके फ्रेंड्स चलो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।